सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आला अधिकारी लोगों के नुकसान का जायजा लेने के लिए आते रहे हैं, लेकिन उनका यह नुकसान का आकलन सड़कों तक ही सीमित रह गया है। लोगों के घरों में कितना नुकसान हुआ है, उन्हें क्या तकलीफ है, वह किस हाल में जी रहे हैं, उनके घर पर खाना बन रहा है या नहीं, कितने दिनों से भूखे हैं, इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यह आरोप सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों ने लगाए हैं। गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले समाज सेवी रविंदर सिंह डोगरा जब लोगों से मिलने पहुंचे तो लोगों में ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय कांशीराम निवासी एससी बस्ती गांव जमली ने दुखी मन से कहा कि इस आपदा की घड़ी में उनके घरों तक सिर्फ आप पहुंचे हैं और कोई आज तक उनके पास नहीं आया। अधिकारी कर्मचारी नुकसान का आकलन लेने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के घर तक नहीं पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी उनके घरों तक पहुँचेंगे तभी उन्हें सच्चाई का पता चलेगा कि हम लोग कितने दुख दर्द में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आया था बस, चला गया, उसने पटवारी को भेजा था, रोड से ही वापस चला गया, तो उसको क्या पता कि गांव में कितना खतरा है आदमियों का, और आदमी फंसे हुए हैं, पता नहीं कितने गोट वगैरह गिर गए और मकान जो है वैसे टंग गए हैं पूरे। तो हम गाँव वाले कहाँ जाएंगे, पानी पीने के लिए नहीं, आज इतने दिन हो गए, कहाँ से पानी लाना, रास्ते सारे टूटे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, बच्चे भी स्कूल कैसे भेजने, बच्चे जब रास्ता नहीं बचा हुआ है तो कहाँ किस साइड से जाएंगे हम, रास्ता टूट चुका है सारा टोटल, कहाँ से जाएंगे हम। जो भी इतना बड़ा आदमी आता है वो ऊपर से रोड से चला जाता है, वापस नीचे कोई नहीं आता गांव में। लोगों की बात सुनकर डोगरा ने कहा कि ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं तो बिल्कुल सत्य है। लोगों के घरों तक कोई नहीं पहुंच रहा, यहां तक कि विधायक अभी हवाई दौरा करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तभी काम करेगी जब अधिकारी नुकसान का सही आकलन करेंगे, लोगों को क्या समस्या है इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां अधिकारी केवल दिखावा कर रहे हैं। जंबली गांव से जो ओम प्रकाश जी ने भी बात बोली है कि जो भी कोई बड़ा आदमी आता है या कोई और प्रशासन का कोई नुमाइंदा आता है या और किसी भी तरह के कोई नुमाइंदे जो जनप्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं, वो ऊपर ऊपर से ही सड़कें नाप के चले जाते हैं, वो बिल्कुल उनका कहना ठीक है, क्योंकि नुकसान का आंकलन या नुकसान का जायज़ा या उसकी रिपोर्ट तभी बन सकती है जब अधिकारी कर्मचारी और नुमाइंदे जो हैं घर घर आकर घूमेंगे और अपनी आँखों से देखेंगे कितना नुकसान हुआ है, तभी उस नुकसान की सही गणना करके सरकार को दी जा सकती है और सरकार उस मुआवजे का प्रावधान कर सकता है। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से ही देख के चले जाएंगे तो कभी भी नुकसान का आकलन सही नहीं हो सकता। सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।